सब्सक्राइब कीजिए इस खावत अली टीवी यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल के निशान पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सखावत अली टीवी यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को नाकाबिले यकीन खुशखबरी सुना दी। जी हाँ मेरे भाइयों, वो कौन सी खुशखबरी है आगे चल के हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को आपने जल्दी से लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आप न्यू आए हैं चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी हर किस्म की न्यू वीडियो। खबर रिसा हैदराबाद के इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुस्तकबिल में ज़रूरत पेश आने पर तारकिन फीस पर नज़रसानी की जा सकती है। उनका इस हवाले से कहना था कि हुकूमत को अगर किसी तिजारती शोबे या सनत में आसानियाँ पैदा करने की खातिर सरमायाकारों को राग करने, अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर बनाने या सऊदियों के लिए नई असमाएँ मुतारफ़ कराने या किसी तयशुदा इक्तसादी ज़रूरत की खातिर तारकिन फीस में तब्दीली करना पड़ी तो ज़रूर की जाएगी। जी हाँ मेरे भाइयों, यहाँ पर उन्होंने जो है थोड़ा सा जो है गैर मुल्कियों को जो है दिलासा दिया और यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हम जो है 2019 में हो सकता है जो तारकीन के ऊपर फ़ीस है उसको माफ़ कर दें। जी हाँ मेरे भाई, उन्होंने यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है वो दिया है, इशारा किया है कि यहाँ पर जो है हम 2019 में जो है फ़ीस माफ़ कर सकते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा, अल्तवजरी का ये बयान उन तारकीन वतन के लिए उम्मीद की एक नन्ही सी किरण है जो सऊदी वजीर ख़जाना मोहम्मद अलजदान के तारकीन फ़ीस से मुतल्लिक हालिया बयान के बाद बहुत मायूस हो गए थे। सऊदी वजीर ख़जाना ने चंद रोज़ कबल वाज़े किया था कि तारकीन वतन के अहले खाना पर आयद फीस मुराफिकीन फीस में तब्दीली का कोई इरादा नहीं। ये वजाहत इन्होंने सऊदी कौमी बजट 2019 फॉर्म के इजलास के दौरान की थी। इस तरह उन्होंने हालिया दिनों गर्दिश करने वाली इन तमाम अफवाहों को नफ़ी कर दी थी जिनके मुताबिक 2019 के बजट में गैर मुल्कियों पर मुकर्रर फीस ख़त्म की जानी थी या इसमें कमी लाई जानी थी। याद रहे कि इससे कबल भी सितंबर के महीने से ऐसी खबरें गर्दिश करती रही थी जिस पर वजारत मेहनत ने समाजी बहबूद की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया था कि मुराफिकीन फीस तारकिन वतन के अहले खाने पर आयद फीस के खात्मे से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। जी हाँ मेरे भाइयों, ये जो है सिर्फ 2019 में पता चलेगा कि क्या गैर मुल्कियों के ऊपर जो फ़ीस है इसको ख़त्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने जो है थोड़ी सी जो है गैर मुल्कियों को नन्ही सी किरण दी है कि हम जो है 2019 में जो है फ़ीस माफ़ कर सकते हैं। तो जी हाँ मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों अब आप अल्लाह से दुआ करें कि ऐसा हो जाए और जो ये जो उन्होंने कहा है कि फ़ीस माफ़ करेंगे और ये फ़ीस माफ़ कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।